नमस्कार बागवान भाइयों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट हार्वेस्टिंग यानी कि सेब तोड़ान के बाद आपको आपके बगीचों में कौन कौन से काम करने हैं, ताकि अगले साल एक बार फिर आपके पौधों में अच्छी फसल आए और अच्छी क्वालिटी का सेब बने। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमतौर पर देखा जाता है कि सेब तोड़ान के दौरान बहुत से बीमे टूट जाते हैं, या फिर एक्सेस क्रॉप होने की वजह से बहुत सी टानियां टूट जाती है, या फिर जब हम सेब को बीमे से अलग करते हैं तो उस जगह पर घाव बन जाता है, और इन सभी घावों से सेब का रस यानी कि सेब रिलीज होने लग जाता है, जो आमंत्रण देता है बहुत से सकिंग पेस्ट और फंगस को। सकिंग पेस्ट इन जगहों से पौधे का रस चूसना स्टार्ट कर देते हैं। वूली एफिड, जो आमतौर पर बीमों के नीचे या फिर पत्तियों के नीचे छुपा रहता है, वो भी सेब तोड़ान के बाद बगीचों में ज्यादा एक्टिव दिखाई देता है। अगर समय रहते इन पर नियंत्रण ना किया जाए तो पौधा कमजोर हो जाता है और इन जगहों पर कैंकर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात आती है इन सब चीजों से पौधों को कैसे बचाया जाए। हमें सेब तोड़ान के 3 से 5 दिन के भीतर कॉपर आधारित फंगिसाइड का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि ब्लाइटॉक्स, सल्फर, लाइम सल्फर, बोडोमिक्चर या कॉप्रोफिक्स। इनमें से किसी एक का फॉलियर एप्लीकेशन आप 500 से 600 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल बनाकर कर सकते हैं। अगर आपके पौधों में वूली एफिड है तो आप 200 लीटर पानी में 400 ml क्लोरोपाइरीफॉस, जिसे आमतौर पर डरमेट के नाम से जाना जाता है, का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं पौधों को पोषण देने की। सेब का पौधा अपनी सारी ऊर्जा फल बनाने, या फिर ये कहें कि अपने बीजों को विकसित करने के लिए खर्च कर देता है, और सेब तोड़ान के बाद पौधों में कई तरह के पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, जिससे कि बीमा मजबूत नहीं बन पाता और पौधा डोरमेसी पीरियड में भी टाइम से नहीं जा पाता, और बगीचों में अल्टरनेट बेरिंग यानी कि एक साल फसल आना और अगले साल क्रॉप ब्रेक हो जाना जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। और इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको अपने बगीचों में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का एप्लीकेशन करना बहुत आवश्यक है। पौधों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का फॉलियर एप्लीकेशन करने का सबसे सही समय सेब तोड़ान के 10 से 15 दिन के भीतर का है, जब पौधों में 50% या इससे अधिक पत्ते हो। पत्ते कम भी हो तो भी आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 200 लीटर पानी में 250 ग्राम बोरॉन, 200 ग्राम कैल्शियम, 150 ग्राम मैग्नीशियम, 150 ग्राम जिंक और 400 ml नैनो यूरिया का घोल बनाकर फॉलियर एप्लीकेशन कर देना है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधों में क्या काम करते हैं। बोरोन पॉलन ट्यूब को लंबा करता है और फ्रूट सेटिंग में मदद करता है। जिंक पत्तों का पूरा विकास करता है और पौधों में इवन फ्लोरिंग लाता है। मैग्नीशियम पत्तों में क्लोरोफिल को बढ़ाता है, और माइक्रो यूरिया पौधे के विकास में यानी कि ग्रोथ में मदद करता है। अब बात करते हैं सॉइल एप्लीकेशन की। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का हम आमतौर पर सॉइल एप्लीकेशन करते हैं सेब तोड़ान के 25 से 30 दिन बाद, जब पौधों के पत्ते पीले हो जाते हैं और पौधों की वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है। ये वही समय होता है जब पौधा अपने स्टोरेज सेल में नेक्स्ट ईयर के लिए पोषक तत्वों को स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। खाद डालने से पहले आप मिट्टी की जाँच अवश्य करा दें, इससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी जमीन में कौन से तत्व अधिक मात्रा में है और किन तत्वों की कमी है। पौधों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए आप जिन खादों का उपयोग कर सकते हैं, उनमें इफको 12-32-16, सुफला 15-15-15 या फिर 11 मिला कॉम्प्लेक्स शामिल है। इसका चयन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।